अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी पिछली वीडियोस को जरूर लाइक कर रहे होंगे, आप अच्छे से मेरे साथ मिलकर साइंस को समझ रहे होंगे और मैं आपके साथ जिस साइंस कोशिश में हूँ कि मैं आप लोगों के लिए साइंस को बहुत आसान बनाऊँ, मेरी वो कोशिश कामयाब जा रही होगी। तो आप मेरे चैनल पर अगर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखें ताकि आपके कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो सके। तो आज हमारे पास 9th फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, स्टॉप वॉच, क्योंकि हम लोग पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि हम कौन कौन सी मेजरमेंट कर सकते हैं और किस किस चीज से मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक चीज मौजूद है आज, स्टॉप वॉच। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा स्टॉप वॉच का इमेज। और अगर आप स्टॉप वॉचेस देखें तो यहाँ पे तकरीबन दो तरह की स्टॉप वॉच जो है वो आपको दिख रही है। हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर भी डिफरेंट रीडिंग्स को नोट करने के लिए, एक टाइम इंटरवल को नोट करने के लिए कि कोई भी वाक्य अगर पेश आया है या कोई भी चीज अगर मूव की है तो कितना लम्हा लगा, कितने सेकंड्स लगे, कितने मिनट लगे उसको ये करने के लिए, वो इवेंट का वक्त नोट करने के लिए हम लोग स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास लेबोरेटरीज में दो किस्म की स्टॉप वॉचेज अवेलेबल होती हैं। एक स्टॉप वॉच होती है मैकेनिकल और दूसरी स्टॉप वॉच है डिजिटल। मैकेनिकल स्टॉप वॉच हमें तकरीबन 0.1 सेकेंड, यानी अगर कोई चीज को हुए वे सिर्फ 0.1 सेकेंड भी हुए ना, कम से कम 0.1 सेकेंड जितना लंबा लगा है, तो इतना कम टाइम भी हमें नोट करके ये दे सकती है। जबकि जो डिजिटल स्टॉप वॉच है ये आपके पास अगर कोई चीज 0.01 सेकेंड में, 0.01 सेकेंड आपके लिए बस, तो एक मिनट इतना कम है, एक मिनट में 60 सेकेंड, फिर उस 60 सेकेंड में से 0.1 सेकेंड हमें दे रहा है मैकेनिकल। जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच इतनी शार्प है कि 0.01 सेकेंड, यानी एक सेकेंड का 100वां हिस्सा भी अगर होगा ना, इतना कम टाइम भी अगर किसी चीज को लगा है तो वो इंस्टेंट, वो इवेंट भी हमें ये मेजर करके दे सकती है। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपके पास जो कंस्ट्रक्शन है आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसके में सबसे ऊपर एक नॉब शामिल होती है। इस नॉब के नीचे एक स्प्रिंग होता है जो कि स्टॉप वॉच को पावर देते हैं प्रेस करने से, और यही बटन आपके पास इसको स्टार्ट या स्टॉप या रीसेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें कोई लिखा नहीं होता कि ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, ये रीसेट है। आपके पास इसमें नीडल्स जो हैं वो जीरो के पॉइंट पर मौजूद होती हैं। जैसे ही आप इसको फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं तो नीडल्स मूव करना शुरू कर देती हैं, जैसे आप इसको सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे नीडल जहां होती है वहीं स्टॉप हो जाती है, और जैसे ही आप इसको थर्ड टाइम प्रेस करेंगे नीडल वापस से जीरो पर चली जाती है। तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक कील के साथ एक धागे को बांधा और नीचे एक मेटल की बॉल जो है हैंग कर दी। अब मैंने बॉल को पकड़ा और मैं इसको इस पॉइंट से जहां पे सेंटर में ये बॉल थी मैं थोड़ा इधर लेके गई और मैंने इसको छोड़ा, तो बॉल अब ऐसे और ऐसे मूव करेगी। जब ये इधर गई और वापस इधर आई तो उसने एक चक्कर अपना मुकम्मल किया है। तो मुझे कम से कम अगर 20 उसका टाइम नोट करना है, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से लाकर छोड़ूंगी तो मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूंगी, तो एक स्टूडेंट उसको लीव करेगा, छोड़ेगा, और दूसरा स्टूडेंट जो है फौरन से स्टॉप वॉच का बटन प्रेस करेगा, इधर से इधर गया और इधर से इधर आया। आप चाहें तो एक चक्कर का टाइम भी नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नोट करना चाहें उतनी नोट कर सकते हैं, और देन आप वो टाइम रिकॉर्ड करके जैसे आपको जितना चाहिए एक चक्कर हुआ फौरन प्रेस कर दें, आप टाइम नोट कर लें और देन दोबारा प्रेस करें तो वापस नीडल जीरो पर जाएगी। अगर आप चाहें तो उस बॉल को दोबारा रोक कर आप इसी जगह पर लाएं और फिर छोड़ें और फिर देखें कि क्या सेकेंड टाइम भी आपकी यही ऑब्जर्वेशन आती है, ताकि आपकी वैल्यूज जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो। सेकेंड तो हमारे पास स्टॉप वॉच अवेलेबल है वो है डिजिटल स्टॉप वॉच। जब हम डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करते हैं तो इसमें आपके पास स्टार्ट एंड स्टॉप बटन होता है। फर्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तो फौरन आपके पास जो है नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है, दोबारा जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो नंबरिंग जहां थी वहीं पर रुक जाती है, और देन आपने जो अपनी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, जहां पे नोट करनी है, आप उस वैल्यू को नोट कर लेते हैं और दोबारा से स्टार्टअप पे चले जाते हैं और जीरो अगेन आपके पास डिस्प्ले हो जाता है और अपनी वैल्यूज को आप अगेन नोट कर सकती हैं। बेटर यही है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप ज्यादा से ज्यादा लें ताकि आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट हो।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। मजीद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मेजरमेंट के बारे में जानने के लिए लर्न विद मरियम पर मेरे साथ रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।